बड़ी खबर बेरूत से भी आ रही है, जहां इंटरनेशनल हवाई अड्डे को उड़ाने की आशंका के चलते पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अशरफ वानी की रिपोर्ट आपको इसराइल से दिखा देते हैं। वक्त लेबनान के पहाड़ी इलाके अलमातिया में हूँ। यहाँ पर सोमवार रात को जो है एक के बाद एक कई इलाकों में इजरायली वायुसेना की तरफ से जो है बमबारी हुई है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि 2006 में जब युद्ध चल रहा था लेबनान और इसराइल का, तब भी इस इलाके को सुरक्षित माना गया था और यहाँ पर बीरूत और दूसरी जगहों से लोग शरण के लिए आए थे। लेकिन अब भी कुछ ऐसा ही था, जो लोग बीरूत और दक्षिणी बीरूत से इस इलाके, इस पहाड़ी इलाके में आए, वहाँ पर भी इजरायली वायुसेना उनका पीछा नहीं कर रही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दो इमारतों पर ये कुछ घंटे पहले जो हैं इजरायली वायुसेना के दो मिसाइल दागे गए और दोनों घर जो हैं पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं मेरी बाईं ओर जो है ये एक बहुमंजिले इमारत, इसका पूरा जो है ऊपर का स्लैब नीचे आया है। यहाँ पर जितने भी वाहन या लोग खड़े थे वो सभी जो है उस हमले में पूरी तरह से जो है उनको नुकसान पहुँचा है। कई सारे वाहन खड़े थे यहाँ पर इस पार्किंग लॉट में, उनको हटाया गया है। अब यहाँ से करीब 12 वाहन थे जो भी कंक्रीट और सीमेंट गिरने से पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। काफ़ी लोग दुखी हैं और उस बीच जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्षति जो है इसी तरह कई इलाकों में इस पहाड़ पे, जो आप अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो हर तरफ जो है ये पहाड़ी इलाका है लेबनान का। यहाँ पर जो है इसको सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन अब सोमवार रात से इस इलाके को भी इसराइल की वायुसेना ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अशरफ वानी, अमातिया हिल्स, लेबनान, आज तक। और बेरूत से मेरे सहयोगी अशरफ वानी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आपकी ये रिपोर्ट हम देख रहे थे, अब ये माने कि लेबनान में रिहायशी इलाकों को, उन इलाकों पर जहां पर ज्यादा तबाही मच सकती है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ये एक टारगेटेड स्ट्रैटेजी है? नेहा, दरअसल हमने देखा जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई कि अभी तक तो साउथ सब जो है, जो लेबनान या बीरूत का दक्षिणी इलाका है, वो इसराइल के निशाने पर था और वहां पर पूरी लीडरशिप जो है हिजबुल्ला की वो मार गिराई है इसराइल ने। लेकिन अब बाकी जो बचे कुचे हैं, जो वहां से भागे थे, चाहे वो सीरिया जाने की कोशिश कर रहे थे या इन पहाड़ों में जहां पर अभी कुछ देर पहले में था, वहां पर भी उनका पीछा जो है इसराइली वायुसेना नहीं छोड़ रही है। इसराइल को इतना इंटेलिजेंस इनपुट पूरे लेबनान में है, उनको एक एक हिजबुल्ला के मेंबर और कमांडर और लड़ाकों की जानकारी है, वो कहाँ घूम रहा है, कहाँ पर है। तो उस बीच जो है बीती रात यानी सोमवार की रात को ये जो अमाथिया पहाड़ है बीरूत शहर के से करीब 40 किलोमीटर दूर, वहां पर एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 8 लोग मारे गए हैं और 12 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है। पूरी तरह से घर जो है वो पूरी तरह से अंदर से उसमें इतना बड़ा छेद हो गया है कि वहां पर कोई बच नहीं सकता था, इतना बड़ा ये एरियल स्ट्राइक था। वहां ही नहीं, अगर किसी भी इलाके की बात करें यहाँ लेबनान में, जहां जहां पर भी हिजबुल्ला कोई ठिकाना है उसको इसराइल जो है निशाना बना रहा है। चाहे साउथ बीरूत की बात करें, जहां पर आज बीती रात जो है एक हथियारों का एक डिपो जो है उसको भी जो है इसराइल की वायुसेना ने निशाना बनाया था। और साथ ही साथ पहली बरसी पर जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो दक्षिणी लेबनान से है, जहां पर गलीली के रास्ते से दक्षिणी लेबनान में जमीनी तौर पर जो अंदर आने की या हम कब्जा करने की कहें कि उसको ग्राउंड इन्वेजन कह रहा है इसराइली सेना, वो कर रही है। तो वहां पर हिजबुल्ला के लड़ाकों की तरफ से उनको कड़ी चुनौती भी मिल रही है, क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरह से हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इतने प्रहार के बावजूद भी करीब 80 रॉकेट जो है हाइफा, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है इसराइल का, उस पे दागे, जिसमें 10 लोग वहां घायल हुए, कुछ घरों को नुकसान पहुंचा और जो उनका आयरन डोम सिस्टम था वो एक मिसाइल से जो है खराब हो गया और तब वो माफ कीजिएगा काम नहीं कर पाया। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में जब तक जो इसराइल का कहना है जब तक हिजबुल्ला खत्म नहीं होता है तब तक किसी तरह का प्रहार और किसी तरह की स्ट्राइक्स जो है हिजबुल्ला के ठिकानों पर जारी रहेंगी। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच बेरूत में इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उड़ानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा जो बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें आखिरी जहाज वहां पर पहुंचा था, एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था।
जब भी दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है या युद्ध की नौबत आती है तो उसका खामियाजा मासूम लोगों को उठाना पड़ता है, और आज मैं जहां पर जैतूना बे के पास खड़ा हूं, लेबनान में, बेरूत में, दरअसल बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो लेबनान के लोग हों या सीरिया के लोग हों, जो दक्षिण सबोबन में रहते थे, वो शरण लेने पर सड़कों पर आ गए हैं, मजबूर हैं। और मेरे पीछे जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं, लेबनान और सीरिया के लोग हैं, जब एयर स्ट्राइक शुरू हुई तो कईयों के घर जो है उसका शिकार हुए, तो कई जो उन इलाकों में रहते थे वो डर के मारे अब उत्तर की तरफ आ गए हैं, मध्य की तरफ आ गए हैं, और मेडिटेरेनियन समंदर जो है उसके पास सड़कों पर सहारा लिए हैं, जीने के लिए, आजीविका के नाम पर जो कुछ बचा खुचा सामान था वो ले करके सड़कों पर टेंट में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, कई गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों के स्कूल छूट गए हैं, और इन्हें ये नहीं पता कि वापस अपने घरों तक कब जाएंगे, और जब ये जाएंगे तो क्या इनके घर वहां मिलेंगे, क्योंकि इसराइल का हमला लगातार लेबनान पर जारी है और युद्ध में उसका खामियाजा मासूम लोग भी लेबनान में उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में लेबनान के लोग, बेरूत के लोग बेघर हो रहे हैं, सड़कों पर सहारा ले रहे हैं। आज 7 अक्टूबर है, इसराइल के लिए सबसे काला दिन। आज ही के दिन इसराइल पर पिछले साल हमले हुए थे, और ये दिन वो जख्म दे गया है जो इसराइल कभी नहीं भूल पाएगा। इस हमले की बरसी के ठीक पहले इसराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल ने कसम खाई है कि वैसा हमला वो एक बदले के तौर पर देखते हैं। इसराइल के भीषण हमले जारी, बेरूत पर भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को उड़ाया, हिजबुल्लाह का भी पलटवार। ये इसराइल के उस हमले की तस्वीरें हैं जो उसने बीती रात किया। हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके इसराइल ने अब उसके उन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है जहां पर हथियारों का जखीरा जमा किया गया था। रात 11 बजे के बाद बेरूत के दक्षिणी हिस्से में ये धमाके हुए। हथियारों का यह ठिकाना हिजबुल्ला ने बेरूत में बना रखा था, लेकिन इसराइल को इसकी भनक लग गई। इसके बाद इजरायली सेना ने बहुत भीषण बमबारी की। इसराइल ने एक नहीं, हिजबुल्ला के कई हथियार गोदामों को निशाना बनाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हथियार गोदामों पर बमबारी के बाद यहां भीषण विस्फोट हुए। सारी रात बेरूत के आसमान पर रह रहकर धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ती रही। उधर हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर जवाबी पलटवार किया। हिजबुल्ला के निशाने पर आया हाइफा शहर, जहां उसने कई रॉकेट गिराए जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा। हाइफा में रह रहकर इमरजेंसी अलार्म बजते रहे। हिजबुल्ला के हमलों के बाद कुछ इमारतों में आग लगी दिखी। इसराइल की फोर्स और पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। हाइफा में नुकसान ज्यादा हो सकता था, लेकिन हाइफा के ऊपर इसराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम सक्रिय हो गया। हिजबुल्ला के कई रॉकेटों को आसमान में ही आयरन डोम ने मार गिराया। लगातार हमलों के बाद अब बेरूत के हवाई अड्डे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां लगातार इसराइल की सेना हमले कर रही थी। कुछ धमाके एयरपोर्ट के बिल्कुल पास किए गए थे। हाइफा से गौरव सावंत और बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।